भैया हमारा ग्राहक ना बहुत डिस्काउंट मांगता है भाई साहब, हमेशा डिस्काउंट मांगता है, कुछ बताइए ना इसके बारे में। चलिए बताते हैं। देखो भाई साहब, रैंडम वीडियोस बना रहे हैं, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कट नहीं है, दिल से दिल तक, समझ में आ रहा है? जितना मैंने सीखा, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया इन 5 सालों 6 सालों में, वो सारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, निस्वार्थ भाव के साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात समझना, आदमी नेगोशिएट कब करता है? आप कभी किसी मॉल में जाओ, किसी बड़े दुकानदार में जाओ, वहाँ पे अब नेगोशिएशन नहीं होता है, वहाँ पे फिक्स प्राइस होता है। बट आप अगर गांव देहात में जाओगे तो वहाँ दामदारी चलता है, इस बात को मानना पड़ेगा। अगर आपका दुकान गांव देहात में है तो भाई साहब ये रहेगा, ये बिजनेस में आपके साथ रहेगा, आपको भी मोल भाव करना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर सोचोगे मैं फिक्स प्राइस चालू कर दूंगा, बात नहीं बनेगी। फिर भी अगर आपका जो सेल्समैन है या आप हो गए, अच्छा कपड़ा पहन करके, राजा बाबू वाइट शर्ट ब्लैक पैंट एकदम फिट एंड फाइन, बाल वाल एकदम हिट विट करा करके अगर आप सेल्स करते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस आपके कस्टमर से ज़्यादा अच्छा रहा, समझा इस बात को, पकड़ना इस चीज़ को, तब चांसेस कम है कि वो नेगोशिएट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आदमी जो ग्राहक आता है वो तो फिट एंड फाइन आता है, और आपका जो छोटू है जो माल दिखा रहा है उसका खुद का कपड़ा अच्छा नहीं है, तो वहाँ दामदारी आएगा ही आएगा, फिट एंड फाइन एकदम रहे, टकाटक रहने का, तब चांसेस ये है कि ग्राहक बार्गेनिंग नहीं करे। अगर आपका शहर में दुकान है, मॉल टाइप का दुकान है, तब तो भैया आप लिख दो, सिस्टम बना दो, टैगिंग सिस्टम कर लो, तब फिक्स प्राइस चल जाएगा। लेकिन गांव देहात में भाई साहब नेगोशिएट होता है, वो करना पड़ेगा, वो आदत है यार वो। जब तक इंडिया में आदमी दामदारी नहीं करे तो इंडिया में लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है, समझ में आ रहा है? ये रहेगा, इसके लिए क्या करें भाई साहब, थोड़ा रेट ऊपर बढ़ाओ, उसके बाद में वो मांगे उससे पहले डिस्काउंट दे दो, समझ में आ रहा है? मतलब नहले पे दहला बोलते हैं उसको, वो मांगे उससे पहले ही आप बोल दो भैया ठीक है यार कम कर देंगे, वो दामदारी करेंगे ही करेंगे। कुछ कुछ देखो इस बार तो गाँव देहात में कैसा होता है, कुछ कुछ लोग हैं ना, उनको जब तक वो दामदारी नहीं होगा ना, उनको मज़ा नहीं आएगा, उनको रस ही नहीं आएगा, उनको स्वाद ही नहीं आएगा, चाहिए भैया वो तो चाहिए ही। एक टी शर्ट लेने के लिए आएंगे, वो आधा घंटा आपकी दुकान में रहेंगे, उनका काम है। तो भैया क्या करो, दुकान को छोड़ दे, मत छोड़ना, छोड़ोगे वो 10 को और बता देगा ये बेकार दुकानदार है, लेना पड़ेगा, सरदर्दी है लेना पड़ेगा, झगड़ा मत कर लेना रे भाई साहब, लोग गर्म हो जाते हैं, गर्म नहीं होने का, वो रहेगा, वो प्रसाद है, क्या है प्रसाद है, वो रहेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। थोड़ा सा रेट वगैरह बढ़ा करके डिस्काउंट कर दो, देखो तो जैसा कहते हैं ना, क्या जैसा चेहरा वैसा तिलक, लगा कैसा है तो झगड़ा नहीं करना है, थोड़ा सा बढ़ा करके डिस्काउंट दे दीजिए। दुकानदारी एकदम फिट एंड फाइन है, अगर आपका अच्छा दुकान है, लाइट वाइट लगा करके देवी जी काम करती है, तब फिक्स प्राइस में जा सकते हो, अदरवाइज मत जाना, मज़ा आएगा। एक आदमी रखो एक्स्ट्रा, वो दामदारी करते रहेगा, बट जरूरी रखना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है? अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, नो कट वीडियोस है ये सब, कोई एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, दिल से दिल तक बात समझ में आ रही है, चैनल को लाइक कीजिएगा, और भी कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए, भाई आपका फॉर्म में अभी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।